सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और खास होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्नैपचैट पर स्टोरी कैसे लगाएंगे। तो आप भी जानना चाहते तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और खास होने वाला है। तो चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा दोस्तों, अपने हमारे का स्नैपचैट ओपन कर लेना है। स्नैपचैट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका मोबाइल का फ्रंट या बैक कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है। आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इन सब पर कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऐड टू माई स्टोरी का ऑप्शन मिल रहा है पब्लिक का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि देख सकते हैं कि आपका मोबाइल का फ्रंट या बैक कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहां से कैमरे से फोटो खींच कर आप स्नैपचैट पे स्टोरी लगा सकते हो। और यहां पर देख सकते हैं कि आपको फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और आप यहां पर गाना ऐड करना चाहते हो तो गाना भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटो खींचा चुका है, तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप कुछ टाइप करना कर लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप स्टोरी लगाना चाहते हो कैमरे वाले का, तो आप इस पर क्लिक कर देना है तो माई स्टोरी पर लग जाएगा। और आप गैलरी से लगाना चाहते हो स्टोरी, तो आपको बिल्कुल बैक आ जाना है। बिल्कुल बैक आ जाते हैं, दिखाने के बाद स्नैपचैट ओपन फिर से कर लेना है। स्नैपचैट ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपका मोबाइल का बैक या फ्रंट कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोबाइल वाला ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, तो गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपके इस मोबाइल का जो स्नैपचैट है उसका जितने भी फोटो हैं सारे यहाँ पर शो कर देंगे। तो आपको गैलरी का लगाना है तो आपको कैमरे रोल का ऑप्शन मिलेगा, तो कैमरा रोल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के जितने सारे वीडियो फोटो है सब यहाँ पर शो कर देंगे। तो आप जो भी स्टोरी लगाना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है शेयर वाला ऑप्शन, तो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपके कैप्शन में जो भी साथ में लिखना चाहते हो, साथ के साथ इसको अपलोड करना चाहते हो, टाइटल लिखना चाहते हो, तो यहाँ कैप्शन में लिख देना है। और इसके बाद लिखने के बाद जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कैप्शन वाले पर क्लिक कर जैसे कि हेलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए, इस तरीके से लिख देना है। लिखने के बाद जैसा कि आप अब स्टोरी को लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसा कि देख सकते हैं माई स्टोरी पब्लिक और माई स्टोरी फ्रेंड ओनली। तो आप पब्लिक लोगों को दिखाना चाहते हो तो आपको पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सिर्फ दोस्त को दिखाना चाहते हो तो फ्रेंड ओनली पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपके दोस्त हैं बने हुए उनको आप भेज सकते हो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ माई स्टोरी पे लगा के दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो इस पे माई स्टोरी पब्लिक वाले पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस वाले शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। शेयर वाले पर क्लिक करने के बाद तो जैसा कि देख सकते हैं कि सेंडिंग हो रहा है, ये अपलोड हो रहा है, तो फाइनली ये अपलोड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप बैक आते हो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोरी लग चुका है, वो भी यहाँ पर दिखा दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो इस पर देख सकते हैं कि ये स्टोरी लग चुका है। तो यहाँ पर ये भी दिखा रहा है जितने लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर शो कर देगा सब कुछ। देखिए अभी एक भी लोग नहीं देखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप स्टोरी भी देख सकते हैं लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।